आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेसियों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस वाले जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, उन्हें पहले अपने घर भी देख लेना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। इस दौरान अनिल विज ने अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आपस में टकराकर दोनों ने एक दिन खत्म हो जाना है। अब वक्त बताएगा कि साइकिल रथ पर चढ़ती है, ये रथ उसके साइकिल पर चढ़ता है। देखो, तंवर ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इन दोनों ने आपस में टकरा के दोनों ने खत्म हो जाना है। तो अब ये टाइम बताएगा कि साइकिल उसके रथ पे चढ़ती है या रथ उसके साइकिल पे चढ़ता है। इस दौरान हरियाणा की कैबिनेट मंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे को सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करने पर कांग्रेसियों को नसीहत दे डाली है कि सीबीआई अब ठीक काम कर रही है और ये जो कांग्रेस वाले शोर मचाते हैं वो दूसरों पर कीचड़ ना उछालें। सीबीआई ठीक काम कर रही है और ये जो कांग्रेस वाले शोर मचाते हैं, रोज दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, इनको अपने घर का तो देखना चाहिए पहले कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तो सीबीआई ने ठीक काम किया। वहीं मासूम बच्चियों से दुष्कर्म मामले में दोषियों को 14 साल कैद या फांसी मामले पर सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा कि यह सोच समझकर ठीक से लिया गया फैसला है, जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दरिंदगी करेगा उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। नहीं नहीं ये बिल्कुल सोच समझ के ठीक फैसला लिया गया है और जो 12 साल से कम की उम्र के बच्चियों से रेप करेंगे, गैंग रेप करेंगे, उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा का नाम रोशन करने पर अनिल विज ने कहा कि इस अभियान ने हमें बहुत सफलता मिली है। जो कांग्रेस के राज में 1000 पर 832 की रेशो थी, वो आज 915 हो गई है। सारे सारे प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमें बहुत सफलता मिल रही है। जो कांग्रेस के राज में 1000 पर 832 की रेशो थी, वो आज 914 915 हो गई है। तो हमें हर इसमें पूरी सफलता मिल रही है। अंबाला से रोजी बैल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।